ने चुनाव आयोग की पीठ थपथपाई है कि जो जीत के जश्न है उस पर चुनाव आयोग ने रोक लगाया, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की बात कही थी। जो कुछ रोक लगी है अच्छी बात है, लेकिन पूरे देश में कोविड-19 फैला, चुनाव में खुली छूट दी गई, पूरे देश में कोविड के फैलने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। सुप्रीम कोर्ट हम चाहते हैं कि इसको भी अलग से सुने। जब चुनाव हो रहे थे बीजेपी दावा कर रही थी, खासकर अमित शाह जी, की 200 से ज्यादा सीटें आएंगी। नतीजा बिल्कुल उल्टा है। चुनावी हिंसा जब हुई बंगाल में, केंद्रीय सुरक्षा बलों ने गोली चलाकर 6 लोगों को मारने का काम किया। ममता जी ने अमित शाह जी का इस्तीफा मांगा था। तब अमित शाह जी कह रहे थे कि मैं उनके मांगने से इस्तीफा नहीं दूंगा, जनता मांगे तो इस्तीफा दे दूंगा। चुनाव लोकतंत्र में रेफरेंडम होता है। इतनी बड़ी हार, इसका मतलब है कि आपसे लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। अमित शाह जी इस्तीफा कब देंगे ये देश जानना चाहता है। केंद्र सरकार ने 45 से ऊपर के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देने का निर्णय किया था। 44 से 18 साल के लोगों को वैक्सीन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी गई है और निजी अस्पतालों को भी अलग से जिम्मेदारी दी गई है। हमने तो फैसला किया है कि हम 18 से 44 साल के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाएंगे, लेकिन जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं वो अपने आप को असहाय बता रही हैं। शुरुआत में हमने बात की कि 1.5 करोड़ हर माह हमें मिले सीरम से, तब हमारा नेगोशिएशन चल रहा था। भारत बायोटेक से 25 लाख मिले, उसका नेगोशिएशन चल रहा था। केंद्र ने पॉलिसी बना दी कि ये सारी जो भी उत्पादन होगा उसका नियंत्रण केंद्र की सरकार करेगी, लेकिन जिस तरह से वैक्सीन उपलब्ध है, जो हम चाहते हैं कि 3-6 महीने में ये कार्यक्रम पूरा कर लें, तो उपलब्धता वैक्सीन की नहीं है। केंद्र कम से कम राज्यों को इजाज़त दे कि दुनिया में कोई देश में अगर वैक्सीन कोई बनाता है और जल्द से जल्द वो पुरोठा कर सकता है, तो ऐसी वैक्सीन का भी परमिशन केंद्र को देना चाहिए। लॉकडाउन को लेकर केंद्र की क्या भूमिका है, वैक्सीनेशन के दाम को लेकर, लोगों को लगाने तक को लेकर केंद्र से पूछा है। हम केंद्र से जानना चाहते हैं कि अब तो चुनाव खत्म हो गए, ये कहना मोदी जी का कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं, जहां जहां जरूरी है कोई एक पॉलिसी बनाई जाए। वैक्सीन को लोग के भी संभ्रम है, सुप्रीम कोर्ट जानकारी मांग रहा है, हम मांग करते हैं कि न्यायालय जो फैसला करेगा करेगा, लेकिन मोदी जी देश में हेल्थ इमरजेंसी लागू करें और देश के सभी विपक्षी पार्टियों को बुलाएं, बैठें और कोई एक रणनीति के तहत इस संकट से लड़ा जाए। अकेले मोदी जी के बस का ये संकट से लड़ना नहीं है, सभी दोनों की बैठक बुलाकर रणनीति बनाए हम मांग करते हैं।